हेलो श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की आरती, पापियों को पाप से
ौघय सन्ति वनस्पत सन्ति विश्वेदेवा सन्ति ब्रह्म सन्ति ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु आरार्तिक्यं मांजली निशीदिनी कृणम्। ऊपर आ जाओ पंडित जी, ऊपर आ जाओ, ऊपर से सब क्या पीछे तक चला जाता है। अपनी परिक्रमा ले लो एक एक। महाराज की नमन किया सूर्य कोटि एक नहीं, एक सूर्य संसार के अंधकार को प्रकाशित कर देता है। सूर्य विद्यमान है, इसलिए महाराज आपको हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। सूत जी महाराज को बिठाया, आसन दिया और महाराज को बिठा और सूत जी महाराज से बड़ा सुंदर भगवत कथा भगवत चर्चा। महाराज ने कहा कि कालम व्यालम खं ग्रास त्राश निर्णास हेतव। काल रूपी अजगर के बुखार बिंदु में बैठा हुआ है। हमारा और आपका जीवन कितना है बंधु? Thank you.
दूसरी पंक्ति पंचम वेद निराला है, जब ज्योत जगा दे वाला है। दूसरी पंक्ति पंचम वेद निराला है, जब ज्योत जगा दे वाला है। दूसरी पंक्ति पंचम वेद निराला है, जब ज्योत जगा दे वाला है। I'm gonna make you mine.
कृष्णं तुदीय पद पंकज पंजरां तहि अदेव मे विशतु मानस सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञो स्मन बुधे श्रीमद्भागवतालापम शधो गीत सुखादवि। नारद जी, अगर भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य को आप जगाना चाहते हो तो सबसे उत्तम श्रेष्ठ एक उपाय है। वो उपाय क्या है? वो है श्रीमद् भागवत कथा। उसी आप कराइए और भक्ति के ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटा जरूर जागेंगे, ये मुझे विश्वास है। नारद जी ने कहा, बोले मुझे मंजूर है। बोले पर लेकिन ये संभव कैसे है? सनत कुमार जी ने कहा, बोले आपको जजमान बनना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, कहीं किसी का कल्याण हो रहा है तो मुझे जजमान बनना भी स्वीकार है, मैं बन जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला हूं, पत्नी नहीं है। बोले चलेगा, क्योंकि संतों के कहां पत्नियां होती हैं। संत को एक ही बैठने का शास्त्र कहता है। बोले आप तो जजमान बन जाए। इधर महाराज संत नारद जी ने कहा, बोले मैं जिजमान बनूंगा तो आपको व्यास बनना पड़ेगा, मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आप व्यास बनकर के पधारी। तो महाराज संत नारद जी ने सनत कुमार जी के लिए निमंत्रण दे दिया, बोले आप व्यास बनकर के कथा का श्रवण कराइए। संत नारद जी यहां पर जिजमान बने हैं और इस कथा की श्रोता कौन है? भक्ति, साक्षात भक्ति जिसके हृदय में प्रकट हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण के दीवाने हो जाते हैं। साक्षात भक्ति वहां पर श्रोता बनकर के और अपने अचेत दोनों बेटाओं को सामने लेटे हुए हैं, क्योंकि वो सो रहे हैं। अब आप विचार करिए कि हम और आप न कुछ होते हुए भी इतनी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और भगवान सनत कुमार जी इस कथा के व्यास बने हो, संत जैसे संत नारद जी जैसे जजमान बने हो, तो उस कथा की कितनी भव्यता। और इतनी भीड़ लगी हुई है, सभी ऋषिगण पधारे हुए हैं और महाराज सनत कुमार जी ने बड़ा सुंदर भागवत का यहाँ पर वाचन किया है। कथा को सुनते ही सुनते महाराज भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य की बुढ़ापे से निवृत्ति हो गई। जैसे ही भागवत से सुनने से उनके बुढ़ापे की निवृत्ति हुई है तो वहां पर महाराज सभी संतों ने आकर के और सनत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा कैसी है कि बुढ़ापे से भी छुटकारा पवा सकती है, लेकिन कब? आपको ज्ञान और वैराग्य बनना पड़ेगा, उस भाव से इस कथा के लिए श्रवण करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, आपका भी बुढ़ापा दूर हो जाएगा। जरा नाम बुढ़ापा, जैसे ही सबसे पहले बुढ़ापा कहां आता है? सबसे पहले प्रारंभ होता है बुढ़ापा घुटनों से, व्यक्ति के घुटनों को कमजोर कर देता है। जरा नाम बुढ़ापा। तो हो अपनी वाणी में अमृत घो, हे रसना राधे राधे घो, राधे राधे हो रसना।
लिखी तो है लेकिन संत के हृदय से इसको जोड़ा है। संत हृदय नवनीत समाना, कहां कवन में कहां नहीं जाए। देखिए संत के हृदय के लिए नवनीत घी से जोड़ दिया,
नवनीत घी कब पिघलता है? जब उसको तपन यानी आंच की तपन हो या सूर्य की तपन हो, जब वो पिघल जाता है। लेकिन संत को क्या आंच तपाई जाती है, क्या सूर्य की तपन दी जाती है? संत तो दूसरे की बोले मैंने सुना उस कथा में कि भगवान कहते हैं कभी मेरे वचन भी असत्य हो सकते हैं। अगर मेरे भक्त ब्राह्मणों ने और संत ने कह दिया, वो पत्थर की लीक है, उसको कोई नहीं डाल सकता। अगर ब्राह्मण और महात्मा मन से किसी को आशीर्वाद दिया है, वो कभी विफल नहीं हुआ, तो होगा। इसलिए मुझे ये विश्वास है कि इस फल को मैंने खाया तो जरूर मेरे गर्भ रहेगा, कोई संतान का जन्म होगा। महाराज, इतने में इनकी छोटी बहन का आगमन हुआ। छोटी बहन ने ऐसा समझाया और कहा, देवी आप इस फल के खाने से रुदन कर रही हो, मेरे घर की बहुत बुरी दशा है। आपके यहाँ पे तो कोई खाने वाला नहीं है, मेरे घर पर खाने के लिए नहीं है, क्योंकि उसकी छोटी बहन के एक नहीं दो पांच बेटे थे, खाने में भी दिक्कत थी। बोले काम करते हैं, आप तो महाराज से बहाना लगाते रहो, और मेरे जैसे ही इस पुत्र का जन्म होगा, मेरा गर्भ है और उसको गर्भ जैसे ही जन्म हुआ, उस बालक को मैं आपको सौंप दूंगी, और इस फल के लिए आप तो गौ के लिए खिला दीजिए, तो फल की भी परीक्षा हो जाएगी कि महात्मा कैसे थे। ठीक जैसे ही 9 महीने के बाद में महाराज क्या हो रहा है, गौ महारानी से महाराज बालक का जन्म हुआ, उस बालक का नाम गौकर्ण रखा। और छोटी बहन के जो बालक हुआ, उस रात्रि में उस बालक के लिए महाराज के घर में प्रस्थान करके उस बालक के लिए सौंप दिया, और महाराज घर के लिए वापस हो गए। ध्यान देना बंधु, माताएं जिसे सोच लेती हैं उसे कर देती हैं। एक बार इन्होंने जो सोच लिया उसको करके मानती, इनकी सोचा हुआ कभी विफल नहीं होता। और ध्यान देना भैया, लोगों की सोचने में और माताओं के सोचने में इतना फर्क है कि आप एक बार नहीं 1000 बार सोच लो, आपका सोचा हुआ हो नहीं सकता, तो भगवान की कृपा हो जाए जाए। और इन्होंने एक बार सोच लिया वो हो जाता, ये इन पर विशेष कृपा प्रभु। महाराज के गौ कर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखल। महाराज गौकर्ण बड़े ज्ञानी और पंडित हुए, धुंधकाली महाखल। जैसे ही इस बालक का जन्म हुआ तो पंडित जी ने एक नहीं 100 ब्राह्मणों के लिए बुलाया। प्रसन्न हो गए पंडित जी आत्मदेव के, आज मेरे एक नहीं दो दो खुशी हुई है, गौ ने भी बालक का जन्म हुआ है, ब्राह्मणी के भी बालक का जन्म हुआ है। ब्राह्मणों को बुला लिया, स्वस्थ वाचन कर रहे हैं, ब्राह्मण नामकरण संस्कार करने के लिए आए हैं, और सब ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हैं। ब्राह्मणी ने पूछा, बोले महाराज ये भीड़ कैसी लगी हुई है ब्राह्मणों की? बोले ये बेटे का नामकरण करने के लिए आए। बोले नहीं महाराज, मालूम है इसको 9 महीने तक मैंने गर्भ में धारण किया है, आप इसका नाम नहीं रख सकते, ये ब्राह्मण नहीं रख सकते। बोले देवी आपकी क्या इच्छा है? बोले मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। बोलो राधे, कोई ब्राह्मणों की जरूरत नहीं पड़ी, नाम ही रख लिया। बोले मेरे राशि पर ही नाम रहे, मेरे अनुकूल नाम रहेगा, ब्राह्मणों का क्या पता कुछ भी नाम रख जाए। नाम ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा देकर के महाराज ने विदा कर दी। बोले आप मेरे घर पर आए, ये बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण अपने अपने यहां पर पधारे, लेकिन इस गौकर्ण तो बड़े ज्ञानी थे, संत हो गए, तीर्थों में जाकर के भजन करने लगे। धुंधकारी की हालत को देकर के आज महाराज आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत दुखी हुए। वो तो महाराज
दुष्टाचारी, अत्याचारी, पापाचारी, बड़े बड़े लोगों के चोरी करने लगा, एक नहीं चार चार वेश्याओं को साथ में रखने लगा, मदांत नशा करने लगा, मदरा पीने लगा। एक दिन महाराज अपनी वृद्ध माता से धन मांगने लगा, धन मांगने लगा तो धुंधली ने कहा, बोले बेटा जब तिजोरी की चाबी आपके पास है तो धन मेरे पास कहाँ होगा। अपनी वयोवृद्ध मां के लिए एक अंधकूप में धक्का दे दिया, मां मृत्यु को प्राप्त हो गई और देवियों के साथ में रहने लगा। लेकिन बंधो ध्यान देना, ये अज्ञान के कारण ये संसार में लोग मध के कारण किसी को गिनते नहीं है, लेकिन इनका अंत नजदीक होता है। अगर आप एक नहीं चार चार देवियों को रख रहे हैं, ये देवियां नहीं है, ये आपके नाश की जड़ है। देवियों ने भी विचार किया, इनके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया और पांचवी देवी ने जलते हुए अग्नि के अंगारों के इस दुष्ट धुंधकारी के बुखार बिंद में डालने लगे। उसी क्षण में महाराज धुंधकारी का देहांत हो गया। बोलो राधे राधे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज एक समय महाराज भ्रमण करते करते महाराज गोकर्ण महाराज का आगमन हुआ। पिताजी की हालत को देख करके गोकर्ण महाराज ने कहा, पिताजी आप क्यों चिंता कर रहे हो, क्या कारण है? बोले बेटा चिंता इस बात की हो रही है कि मेरे प्रारब्ध में जाने क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर आत्मदेव ब्राह्मण के लिए इनके पुत्र गोकर्ण ने ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान दे रहे हैं कि देहस्य मांस रुधिरे आविमन्त त्याज्यो जया सुधा दिश सदा ममता विमन्त ईशानि जगत रितं क्षण भंग निष्ठ वैराग राग ऋषिको भव भक्ति निष्ठ। बेटा पिताजी ये जो संसार के नाते हैं, जगत के जो नाते हैं, सब झूठे हैं, इनमें कोई दम नहीं है। बोले क्यों? बोले ये कितनी बार आपके बेटा वो पिताजी बन चुका है, आपके कोई रिश्तेदार बन चुका है, अरे ये तो संसार के नाते हैं, आप तो भगवान का भजन करिए और भजन में ही आनंद है और कुछ नहीं है। आज आत्मदेव ब्राह्मण घर से निकल करके और घोर जंगल में जाकर के भागवत के दसवें स्कंद का पाठ करके भागवत में ही संलग्न हो गए। महाराज गोकर्ण ने तीर्थों में भजन करने लगे, तीर्थों में भजन किया। लेकिन एक दिन तीर्थों में सुना कि आज मेरे भाई का देहांत हो गया, मैं एक भाई छोड़कर के आया धुंधकारी, उसकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन गया में उन्होंने श्राद्ध किया, गया में जैसे ही श्राद्ध किया, ब्राह्मणों के लिए भोजन कराया, एक दिन महाराज घूमते घामते अपनी संत हैं भ्रमण करते रहते हैं, अपनी जन्मभूमि में गोकर्ण महाराज का आगमन हो गया बहुत वर्षों के बाद। अब रात्रि के 8 बजे नगर में पधारे, तो देहातों में 8-9 बजे तो लोग वहां सो ही जाते हैं, अपने अपने घर में बंद हो जाते हैं, महाराज को कोई नहीं मिला, तो अपनी घर की ओर प्रस्थान कर गए। घर में जैसे ही प्रवेश किया महाराज ने, तो घर की हालत को देख करके महाराज को रोना आ गया कि यहां मेरी मां भोजन पकाया करती थी, यहां मेरे पिताजी ज्ञान दिया करते थे, हम यहां पर दोनों भाई खेला करते थे। ध्यान देना, अपनी जन्मभूमि में अपने गृह में जब व्यक्ति कई वर्षों के बाद में आता है तो उसको थोड़ा
गर्व हो जाता है और अपनी उस भूमि को देख करके रुदन करने लगे महाराज को कि बोले आज मेरे घर का क्या हाल है। ध्यान देना, घर भी कितना भी बड़ा बना लो, उसमें कोई मनुष्य अगर रहते हैं तो घर सुंदर लगेगा, और उस घर में कहीं रहने वाले भी नहीं है तो समझ लो घर एक दो साल टिकेगा, दो साल के बाद में वो खंडेर हो जाएगा। महाराज का घर भी टूटा मूटा हो गया, बहुत रोना आया। लेकिन महाराज संत कैसे होते हैं, संतों का बड़ा भाव प्रकट किया है कि या निशं सर्वभूतानं तस्यं जागृति स्वयं। संसार जब सोता है जब संत जागते हैं, क्योंकि भोगी तो सोता है और योगी जागता है। आपको सन्यासी जो संत होंगे वो ज्यादातर दिन में सोते हुए मिलेंगे, वो दिन में ज्यादातर अपनी नींद को पूरी कर लेते हैं एकांत में, और रात्रि में वो जागते हैं और भजन करते हैं भगवान का। तो रात्रि में जाग करके भजन कर रहे थे महाराज गौकर्ण, और उसी समय उनके छोटे भाई धुंधकाली प्रेत बन करके, भूत बन करके और कईयों प्रकार के भेष धारण करके महाराज के सामने उपस्थित होने लगे, महाराज की भक्ति में विविधान करने लगे। उसी क्षण में महाराज गौकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल के लिए सींचा और उसमें से आवाज आ रही है। महाराज सुंदर वहां पर आवाज आई है कि अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नामतः स्वयं के निवदोषेण ब्रह्मा तुम नाशितम मया। भैया मैं कोई और नहीं हूं, आपका ही भैया धुंधकारी हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। धुंधकारी नाम सुनते ही महाराज एकदम अचंभित हो गए, बोले धुंधकारी आप भूत बन गए? बोले हां। गौकर्ण ने कहा, बोले महाराज मैंने तो आपकी मुक्ति के लिए, आपको तारने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए गया में एक नहीं 101 ब्राह्मणों के लिए भोजन कराया, मैंने गया में श्राद्ध किया आपके निमित्त के आपकी मुक्ति हो जाए, क्योंकि मेरे भाई ने बहुत कुकर्म किए हैं, भाई के उद्धार के लिए मैंने गया में आपका पिंडदान किया, श्राद्ध किया, 101 ब्राह्मणों के लिए भोजन कराया, लेकिन आप भूत बन गए, आप प्रेत बन गए। लेकिन इतनी प्रशंसा जब करने लगे तो धुंधकारी आज अपने पापों के लिए खोलने लगे। ध्यान देना बंधुओ, इसीलिए इसको मृतलोक कहते हैं। अगर आपने कितने भी पाप किए हैं, कितना भी अत्याचार किया है, लेकिन एक दिन भगवान के सामने आकर के कह दो कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, तो समझ लो आपके सभी पाप उसी क्षण में प्रक्षालन हो जाएंगे। शास्त्र कहता है कि भगवान के सामने अपने पापों को छुपाना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, उन लोगों से मत कहो, लेकिन परमात्मा से कह दो। क्या कहना है कि पापहं पाप कर्माहं पापानां संभवा, मैं पापी हूं, पापां मैं पाप कर रहा था, मैं पापी हूं, पाप ही करता रहूंगा, क्यों मैं अज्ञानी हूं, मैं समझता नहीं। अगर ये भाव भगवान के सामने आप प्रकट कर दोगे तो भगवान उसी क्षण में वो आपके पाप के लिए नष्ट कर देंगे, आपको दूसरी जिंदगी में प्रवेश कर देंगे। चलो पाप किए हैं, अनजान में किया है जान में, लेकिन मेरे सामने बड़ा तो नहीं बन रहा है, पापी तो बन रहा है, जो है वो बन करके आया है, उसके सब पापों के लिए भगवान दूर कर देते हैं, उसको निर्मल कर देते हैं, उसको एकदम
तो भगवान के सामने हमेशा अपने पापों के लिए गाना चाहिए, प्रभु मेरे से अनजाने में गिनती से कितने पाप हुए हैं। और कह रहे हैं महाराज कैसे भी, धुंधकारी ने कहा बोले मैं कैसा पापी हूं। पापियों की भी कैटेगरी होती है, एक तो जो लोग पाप करते हैं, लेकिन एक जो पापी नहीं, धुंधकारी कह रहे मैं महापापी हूं, जिसने अपनी मां को गालियां दी हो, जिसने अपनी मां के लिए जिंदी मां के लिए धक्का दे दिया हो, उससे बड़ा पापी और कौन होगा, इसलिए मैं बहुत बड़ा पापी हूं। धुंधकारी कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा पापी हूं, इसलिए मेरा उद्धार 101 ब्राह्मणों से नहीं, एक यज्ञ करने से नहीं, आप हजारों श्राद्ध करोगे जब मेरा उद्धार होगा। और भैया जिसका भाई संत हो, उसका भाई भटक रहा हो भूत बन करके, तो आपको भी शर्म आना चाहिए। बार बार में धुंधकारी ये भी कह रहे हैं भाई। तो यहां पर गोकर्ण महाराज ने कहा कि आप अब शांति धारण करिए, मैं आपकी उपाय जरूर सोचूंगा। सुबह प्रातः काल होकर के महाराज तुंगभद्रा नदी में ही अर्घ दे रहे थे सूर्य नारायण भगवान को। संत गोकर्ण महाराज के गुरुदेव कौन है? सूर्य नारायण। उन्होंने सूर्य भगवान से ही दीक्षा और शिक्षा प्रदान की थी। सूर्य महाराज के दो ही मृत्युलोक में चेले बनाए उन्होंने शिष्य, दूसरे हनुमान जी महाराज को बनाए। आत्मदेव ब्राह्मण के गुरु भाई है हनुमान जी महाराज। तो वहां पर सूर्य के लिए अर्घ दे रहे थे, कहा गुरुदेव आप ही बताइए कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो इनको आकाशवाणी सुनाई दी कि श्रीमद भागवतम मुक्ति सप्ता वाचनम गुरु। हे गोकर्ण, अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो आप भागवत कथा कराइए, और उस भागवत में अपने पूर्वजों के लिए सभी के लिए आमंत्रित करिए, और सभी आए, आपके भाई धुंधकारी का नहीं, आपके पूर्वजों का सबका ही उद्धार होगा। बोलो राधे राधे। महाराज ने कह दिया, ये आकाशवाणी भगवान नारायण सूर्य नारायण ने इनके लिए सुनाई दी। सुबह महाराज कथा का शुभ मुहूर्त निकाल करके गोकर्ण महाराज ने नगर वासियों से कह दिया, बोले कल से हमारे जन्मभूमि में श्रीमद् भागवत का आयोजन होगा। और उसके वाचन करने वाले महाराज गोकर्ण होंगे। ध्यान दीजिए बंधु, ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन चलती है, और इस कथा के अगर आप ध्यान से सुनना, इस कथा के 7 ही जजमान हुए हैं, 7 ही वक्ता हुए हैं कथा में। ध्यान दीजिए, अभी पहले कथा कौन सुना रहे थे? सनत कुमार जी ने संत नारद जी के लिए सुनाए, लेकिन अब यहां पर महाराज गोकर्ण कथा के वाचक बने हैं, और नगरवासी सभी कथा के श्रोता बने हैं, जिजमान बनकर की कथा सुन रहे हैं। लेकिन आप तुंगभद्रा नदी अपने नगर उत्तम नगर में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया, और उसमें सब नगर वासियों ने आकर के कथा का प्रश्न किया। लेकिन देखिए बहुत भीड़ होने लगी। कथा पहले कैसे होती थी आप सभी जानते हैं, कथा की 6-6 महीने पहले से तैयारियां होती थी। अब तो महाराज 8 दिन में है कथा का निमंत्रण दे देते हैं, पहले तो कईयों महीने तो ब्राह्मणों को ढूंढने में लग जाते थे। तैयारियां होती थी, पहले थोड़ी ये टेंट व्यवस्था, सभी नगर के लोग लगे रहते थे, बड़ा सुंदर मंडप बनाते थे, छप्पन छाते थे बहुत लंबा, उसका बड़ा आनंद प्राप्त होता था, इसलिए उसकी तैयारियां भी भव्य हुई। और
उस कथा में सब नगर वासियों ने बड़ा भाव से भगवान की कथा के लिए सुना, लेकिन इतनी भीड़ हो गई उस कथा में तो धुंधकारी प्रेत बन करके इधर उधर भटकने लगा कि उसको बैठने के लिए स्थान नहीं मिला, इतनी भीड़ हो रही थी कथा में सुनने वालों की जगह नहीं मिली। लेकिन जब हरे हरे बांसों का जब मंडप बनाते हैं, पंडाल बनाते हैं, तो एक सात ग्रंथी वाला, सात गठान वाला किसी ने काट करके बांस को फेंक दिया, वो पड़ा था। धुंधकारी ने सोचा कि इससे अच्छा और कोई स्थान नहीं है, उसी में प्रवेश होकर के भगवान की कथा के लिए एकांत में बैठ करके सुना। महाराज प्रथम दिन की कथा के लिए सुना तो प्रथम ग्रंथी टूट गई, दूसरे दिन की कथा के लिए श्रवण किया दूसरी ग्रंथी फूट गई। कनम अनुसार महाराज सप्तमे दिन कथा का जैसे ही समापन की ओर कथा का
पवित्र तीर्थ गमन, हमारे जो जो पैर हैं वो तीर्थों में जाकर के एक बार जाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा लेकर के आओ, अयोध्या जाओ, द्वारिकापुरी जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, केदारनाथ जाओ, सेतुबंद रामेश्वर जाओ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन साल में एक बार जाओ। और नहीं आपके जाने की सामर्थ्य है कोई बात नहीं है, मत जाओ। गांव में जो मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, राधा कृष्ण का है, शंकर जी का है, लेकिन एक लोटा जल वहां पर चढ़ाओ और उनकी कम से कम सात परिक्रमा तो करो। हनुमान जी की है, राधा कृष्ण की है, शंकर जी के पर जल बताया, शंकर जी की परिक्रमा नहीं रहे, आधी परिक्रमा है, लेकिन वही परिक्रमा ले लो, उससे ही आपका उद्धार है। पग पवित्र तीर्थ गमन, ये पग पैर कब पवित्र होते हैं? चलने से, आप परिक्रमा लेने से। और पैरों में केतु जैसी ग्रह के लिए भी बताया है, जो व्यक्ति पैदल चलकर के जो मंदिरों के दर्शन करता है उसको कहीं केतु और राहु की ग्रह भी नहीं सताती, क्योंकि राधा श्री।